नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ने पुणे में आयोजित संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालकी समारोह के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं के बीच स्वास्थ्य जाँच और खाद्य सामग्री का वितरण किया। 16 से 22 जून तक गोवा में आयोजित हो रहा वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हिंदू राष्ट्र धर्मांतरण लव जिहाद और ईसाई साजिशों पर होगा मंथन। अब इंटरनेट पर निशुल्क पढ़ने को मिलेंगी गीता प्रेस की 500 पुस्तकें। दिसंबर तक वेबसाइट पर सभी पुस्तकों को अपलोड करने का रखा गया है लक्ष्य। 195 पुस्तकें हो चुकी हैं अपलोड। उत्तराखंड स्थित कैची धाम मना रहा है अपना 59वां स्थापना दिवस। नीम करौली बाबा के दर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। सदियों से चली आ रही मां गंगा की आरती में जुड़ेगा एक और आयाम। अब महिलाएं भी कराएंगी मां गंगा की आरती। प्रशिक्षण के लिए पहली बार उत्तराखंड की 4 महिलाओं का किया गया है चयन। IIT कानपुर ने बनाया देश का पहला DME इंजन। डीजल से नहीं, डाइमिथाइल ईथर से चलेगा इंजन। टेस्ट में रहा है सफल। प्रतिदिन गंगा आरती करने वाले बदायूं के विभू उपाध्याय ने पास की नीट की परीक्षा। मां गंगा को दिया सफलता का श्रेय, कहा करता रहूंगा मां गंगा की आरती। रोजगार के साथ पर्यावरण संरक्षण का आधार बन रही है गन्ने की खोई। कई कंपनियां बना रही हैं क्रॉकरी पार्टिकल बोर्ड। प्लास्टिक की क्रॉकरी से प्रदूषण पर लगेगी रोक, खाद के रूप में भी होगा उपयोग। भारत में अमरीकी राजदूत एरिक गारसेटी ने की भारतीय डिजिटल पेमेंट की प्रशंसा। बोले, भारतीय वित्तीय तकनीक ने दुनिया को हिला दिया। गांव का चाय वाला भी सरकार से सीधे फोन में पेमेंट लेता है। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए जारी किया नया आदेश। पढ़ाई के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से रहना होगा दूर। आदेश को नहीं मानने वाले छात्रों को संस्था से किया जाएगा निष्कासित। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।